हेलो स्टूडेंट्स, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफेक्ट। मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक लेबोरेटरी जो है, लेबोरेटरी है जो लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करती है, जैसे ब्लड का टेस्ट हो गया, या ये आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, और उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो 99% जो है ट्रू है। उसके बाद हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्थी पर्सन टेस्टेड। लेकिन 100% जो है वो टेस्ट सही नहीं है। और अगर हम किसी हेल्थी पर्सन का टेस्ट कराते तो 0.5% चांस है कि उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कहने का मतलब गलत आएगा। If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that this his test is positive? अगर 0.1% of the population अगर हमारे इंडिया की इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है और अगर हम उन सबका टेस्ट कराएं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन आदमियों का टेस्ट होगा या सिटीजन्स का जो टेस्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कहने का मतलब करेक्ट आएगा। करेक्ट के बारे में बात हुई है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट को आपने समझ लिया होगा, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। इतने आदमियों को एक्चुअली प्रॉब्लम है, 0.1% पॉपुलेशन हैव डिजीज़, 0.1%। तो कितने आदमी ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी? जो वैल्यू निकली है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, ये आ गया इतने आदमी ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमने किसी आदमी का टेस्ट कराया, मान लो किसी आदमी को डिजीज़ है ये वाली, और हमने उसका जो है लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, और लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के बाद उसकी एक्चुअली सही रिपोर्ट आएगी, इसके चांस कितने हैं? 99% उसके चांस जो है ठीक हैं। ये देखिए, 99% जो हैं उसके चांस हैं रिपोर्ट सही देने के। तो और उसके बाद 0.5% जो हैं ये क्या हैं, टेस्ट गलत देने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि जिस आदमी को ये प्रॉब्लम नहीं है उसका भी ये रिजल्ट पॉजिटिव दिखाएगा, तो उसको भी नोट कर लिया हमने। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट कितना है? 0.55%। तो 0.5% को हमने फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन स्टार्ट, ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब देखिए, उसने जो है एक्चुअली हैज डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। अब देखिए, उसने डिजीज और पॉजिटिव रिजल्ट, ये वाला केस इकट्ठा है, इसको ऊपर डालिए और नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करके नीचे डाल दीजिए। ये जो नीचे अलग अलग केस को मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर को इस पेयर को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो ये तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। और जो पर्टिकुलर केस उसने पूछा है जिसको हम ऊपर पुट करते हैं, वो बेस थ्योरम, ये टोटल रिजल्ट मिलकर बेस थ्योरम बनता है, और बेस थ्योरम में से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन जो है मन लगा के कर लो। देयर आर 3 कॉइन, देखिए एक बच्चा है उसके पास 3 कॉइन है। 1 इज 2 हेडेड कॉइन, एक कॉइन ऐसा है जिसमें 2 हेड हैं, और 2 हेड हैं मतलब कि समझ गए होंगे आप, वो शोले फिल्म वाला, टॉस करो कुछ भी जो है, जो मर्जी टॉस कर लो, लेकिन हर बार हेड ही आएगा। और अनदर इज बायस्ड कॉइन डैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, और दूसरा जो है बायस्ड कॉइन है जिसको हम जितना मर्जी टॉस करें, अगर 100 टाइम टॉस करें तो 75 टाइम्स जो है हेड आएगा और 25% टेल आएगा। और दूसरा जो है थर्ड कॉइन जो है वो नॉर्मल है, उसमें हेड और टेल दोनों आने के चांस इक्वल हैं। अब मुझे बताना है, हमने एक कॉइन को टॉस करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट हैज़ टू हेडेड कॉइन, हमने टॉस करा और हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है जिस पे हेड आया वो टू हेडेड कॉइन है? पहले तो देखिए, हमने टू हेडेड कॉइन को हमने ए मान लिया, प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए टू हेडेड कॉइन। बी क्या है,
ये बायस्ड कॉइन है, और सी क्या है, अनबायस्ड कॉइन है जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। इन तीनों में से एक कॉइन सेलेक्ट होगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। चलिए हमने पहला कॉइन ले लिया जिसमें दोनों तरफ हेड है, अगर मैं उसको टॉस करूंगा तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और सेकंड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, थर्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है 1/2%, 1/2। तो हमें फर्स्ट कॉइन में से हमने जो कॉइन को टॉस करा हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है जिस कॉइन को हमने टॉस करा हेड आया वो टू हेडेड कॉइन है, ए की प्रोबेबिलिटी का केस ऊपर डाल दीजिए, नीचे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डाल दीजिए। बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए आप।